ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पर्सनल ट्रेनिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका उनके पास वैलिड रीज़न भी है कि पर्सनल ट्रेनिंग में कोच का पूरा ध्यान हम पर या हमारे बच्चे पर ही रहेगा। सही बात है, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हम कोच को ज़्यादा पैसे देंगे तो वो ध्यान भी ज़्यादा देगा, ये भी सही बात है। तो क्या पर्सनल ट्रेनिंग सही है, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियाँ। आपके दोनों पॉइंट सही हैं, पर पर्सनल ट्रेनिंग में हम खुद पे कितना ध्यान देते हैं? शुरू के 10-12 दिन तो सब बढ़िया चलता है, फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है। कुछ टाइम बाद हम अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, छुट्टियाँ करने लगते हैं, प्रैक्टिस देर से शुरू करते हैं, जल्दी ख़त्म कर देते हैं। और इसके दो मेन रीज़न हैं, पहला हम कोच के पास नहीं जा रहे हैं, कोच हमारे पास आ रहा है। दूसरा जो कि सबसे मेन है, हम अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारी ग्रोथ कंपेयर करने के लिए। और कुछ महीनों बाद बोर होकर हम प्रैक्टिस भी बंद कर देते हैं। मार्शल आर्ट्स में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन यानी रोज़ प्रैक्टिस करना और पूरी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फ़ायदा है हेल्दी कॉम्पिटिशन। कभी कुछ जूनियर हमसे आगे निकल जाते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, कभी हम सीनियर्स से आगे निकल जाते हैं जो हमें और जोश भर देता है। ग्रुप में हमें सीनियर्स को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीनियर्स की प्रैक्टिस करने का स्टाइल, उनका डेडिकेशन, उनकी टेक्निक्स, उनका एक्सपीरियंस। और जूनियर्स के साथ प्रैक्टिस करने से कंट्रोल आता है, पेशेंस आता है। जब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ग्रोथ की स्पीड भी पता लगती है, क्योंकि अक्सर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि हाँ ग्रोथ तो हो रही है, नई टेक्निक सीख रहे हैं, पर कितने दिन में कितनी ग्रोथ हुई ये देखना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप प्रैक्टिस में हो सकता है कि कोच आप पर पूरा ध्यान ना दे पाए, पर जितनी जल्दी ग्रोथ ग्रुप प्रैक्टिस में होगी उतनी शायद पर्सनल प्रैक्टिस में नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियाँ।